Hello everyone. So welcome to the Crack Every Test demo lecture. And so I was just having a discussion with all the students. I'm sorry, but मैंने lecture थोड़ा पहले चालू किया, recording बाद में चालू कर रहा हूँ because like every lecture I do a lot of stuff which is not recorded. Demo lectures में पूरे के पूरे record नहीं करता. But this is one topic that came up and I really want students to think about it and even you guys on YouTube to think about it. I asked the students here what was their expectation. We have almost 200 people in the demo lecture right now, but nobody had a proper answer to it. And I was pretty sure that yahi hone wala hai because, well, let's be honest, most of the students who are studying for CET, there was a very, very slight chance that people with a very, very narrow and a proper focused vision were in the lecture today. It is because, well, nahi, wo vision koi deta hi nahi hai. The problem is that you guys just said nobody had an answer. It is because nobody had a proper vision that practice कैसे करनी है. The reason for that is तुम्हें नहीं पता तुम कहाँ गलत जा रहे हो. You guys, what you always think is that मुझे जो topics है मैं सारे के सारे पढ़ लेता हूँ. But that is useless. Now understand, if I tell you 5 glasses रखे with Janai, just unmute. Yes sir. Yeah, Janai 5 glasses रखे है. तुझे सारे ग्लासेस को सब में अलग अलग क्वांटिटी ऑफ वाटर है. तुझे सारे ग्लासेस को टॉप तक भरना है. तुझे किसमें कितना कितना ml डालना पड़ेगा पानी? जिसमें जितना कम होगा उतना उतना पानी डालना पड़ेगा. एग्जैक्टली राइट. द प्रॉब्लम दैट यू गाइस आर ट्रीटिंग ऑल ग्लासेस एज इक्वल. तुम लोग सारे सेक्शंस को इक्वली गिन रहे हो, सारे टॉपिक्स को इक्वली गिन रहे हो, तो तुम लोग सब में 100 ml भरते जा रहे हो, जिसमें ऑलरेडी 90 ml था, तुम लोग उसमें भी 100 ml भर रहे हो, तो पानी तुम्हारा वेस्ट हो रहा है. पानी इज योर टाइम. यू गाइज आर वेस्टिंग टाइम ऑन द रॉन्ग टॉपिक जहां पे तुम्हें जरूरत नहीं है. इट्स बिकॉज यू गाइज आर नॉट एनालाइज वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग. तुम्हें अपनी वीकनेसेस पता ही नहीं है बिकॉज यू आर नॉट एनालाइजिंग योर डेली प्रैक्टिस. एंड डेली प्रैक्टिस, अनदर कंप्लेंट दैट स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ यू माइट ऑल्सो हैव इज दैट जब खुद से करो तब हो जाता है, मॉक में करो तब नहीं होता. इट इज बिकॉज मॉक में द ओनली डिफरेंस इज दैट यू गाइज आर सॉल्विंग द टाइमर. टाइमर के बिना सॉल्व करोगे तो तुम सिर्फ सॉल्विंग सीखोगे. टाइमर के साथ सॉल्व करोगे तो तुम्हें पता चलेगा दैट वो प्रेशर की वजह से तुम जो आता है वो भी गलत कर डालोगे. द प्रॉब्लम इज यू गाइस आर नॉट सॉल्विंग विद द टाइमर. एंड रोज तुम टाइमर के हिसाब से अपना एनालिसिस नहीं कर रहे, तुम सिर्फ अपना नॉलेज एनालाइज कर रहे हो. नॉलेज तो सीईटी में जिसको सब कुछ आएगा वो भी सीईटी फेल हो जाएगा बिकॉज ही इज जस्ट गोइंग विथ मुझे सब कुछ सीखना है. वो गलत है. सीईटी इज नॉट 100% मार्क्स लाना. CET is 100 percentile लाना मतलब मुझे प्रॉपरली बेस्ट तरीके से सॉल्व करने आना चाहिए. मतलब 150 मिनट को सबसे बेस्ट यूटिलाइज मैं कर सकता हूँ. दैट इज द गोल बिहाइंड CET. इट इज नॉट दैट मैं 200 के 200 क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ. दैट इज द वर्स्ट अप्रोच. सो फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू इज एनालाइज ईच एंड एवरी डे तुम क्या टॉपिक पढ़ रहे हो विद अ डेली एनालिसिस शीट. टू गिव यू एन एग्जांपल, आई विल जस्ट शो यू माय लेक्चर का डेली एनालिसिस शीट. वेट, don't worry, I'm going to teach you the topics that I have told. वो मैं पक्का सिखाऊंगा. But this is necessary because मैं सिखा भी दूं तो फायदा क्या होगा, तुम गलत तरीके से ही सॉल्व कर रहे हो तो. I hope you guys are interested in learning this. सीधा लेक्चर पे जाना है तो मैं लेक्चर ले सकता हूँ. क्या चाहिए तुम लोगों को, तुम लोग बोलो. नहीं सर, ये भी उतना ही जरूरी है. ये भी चाहिए, ये ज्यादा जरूरी है. You are wrong here. You know what I have done for all my students is, समझो अगर ये है for all sections now I have kept a different MPM ka. Guys please don't be assholes. Huh? आशीष है जो भी विशाल कदम है उसको निकाल दो. आशीष so yeah guys, so Parajumbles का MPM, if I tell you that मैंने Parajumble solve किया, मैंने 40 क्वेश्चन solve किए, I solved 30 of them. मैंने 30 solve किए जिसमें से मुझे आए 27 मार्क्स, बट मैंने वो 25 मिनट्स में solve किए. Then I'm in the green zone. बट अगर मैंने 28 मिनट्स में solve किए तो येलो है. If I solve it in 32 minutes, तो भी येलो है. If I solve it in 35 minutes, it becomes red. रोज का ये तुम्हारा एनालिसिस और ईच एंड एवरी टॉपिक जो तुम प्रैक्टिस कर रहे हो होना चाहिए. बिकॉज इफ आई टेल यू बट एट द सेम पॉइंट इफ आई चेंज दिस टू अ वीआर तो भी नहीं, सॉरी ग्रामर का आरसी नहीं, लेट्स मेक इट इंस्टेड 1 कर देते इसको 30 Sorry sir to disturb you. Actually, आप MPM क्या है वो समझा सकते हैं please? Yes, definitely. I'll do that. Give me 1 minute, okay? Sure, sir. Yeah. देखो 0.90 for RC is still an okayish MPM, but for grammar it is red. Why? Because grammar का MPM requirement high होता है. Grammar में तुम 1 MPM से काम नहीं चला सकते हो. तुम लोग ट्रीट करते हो सारे टॉपिक्स, सारे सेक्शंस, सारे पार्ट्स ऑफ सीईटी इक्वली. दैट इज द प्रॉब्लम. द प्रॉब्लम इज कोई ग्लास 150 ml का है, कोई ग्लास 100 ml का और कोई ग्लास 200 ml का है. द सेम लॉजिक इज वर्किंग हियर. सिर्फ एक फैक्टर, सिर्फ एक लैटरल थिंकिंग से नहीं चलेगा. यू नीड टू हैव मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग. फॉर द पीपल हु डोंट नो एमपीएम, एमपीएम इज माय ओन कांसेप्ट. एमपीएम इज मार्क्स पर मिनट. सीईटी में तुम कितने मार्क्स ला रहे हो इज यूजलेस. तुम कितने टाइम में कितने मार्क्स आ रहे हो दैट इज इंपॉर्टेंट. सो हाउ मच यू नो इज एब्सोल्युटली वर्थलेस इफ यू कांट सॉल्व इट इन दैट स्टिपुलेटेड अमाउंट ऑफ टाइम. Who was asking, by the way? There was some female who was asking. Tommy, Mansi. Sorry, Mansi. I was asking. Yeah, Mansi. So Mansi, MPM is how many marks you got out of the total time that you invested. समझो अगर मैंने, for example, ये 40 sums solve किए, 40 questions उठाए, जिसमें से 30 मेरे solve हुए in 30 minutes. मैंने 27 marks कमाए. So my marks per minute is how many marks I got out of the total time I invested for all 40 topics, all 40 questions. That is your MPM. Now this is different for each and every topic. LR, QA, and abstract. सबके लिए अलग-अलग होता है. सब में मैंने formula लगाया. सब में you don't have to do anything. You just have to use the sheet and move ahead. The thing, the benefit of this sheet is that when I sit down for a one-to-one session with you guys, I am going to directly ask you to show me the sheet. I will be, because I have made the sheet and I have analyzed so many people, I can immediately figure out तुम्हारा problem कहाँ पे है. I can tell you how to analyze it properly. And on basis of this and your mock test analysis sheet, I can tell you exactly what you need to do to move ahead. Even last year, my students had the option to take 3 1-to-1 sessions. The maximum 1-to-1 sessions that anybody took was 2. किसी ने 3 पूरे नहीं लिए. And minded, 120 प्लस वाला जो मेरा ग्रुप था, which was the people who are scoring very very well, उन सब ने बस एक बार 1-to-1 सेशन लिया, because they realize that if you are analyzing this properly, then you don't even need to take a 1-to-1 counseling anymore. So now even if they did not get JB, उनको Sydenham मिला है and they are trying again, they know how to analyze it. And then they only join me just so that I can keep analyzing what they are doing wrong. That is when that is the meaning of जिस ग्लास में जितना जरूरत है उतना ही पानी डालो. Are you understanding, Jinay? So that is why I asked the question that what is our expectation. So when you start a study session, तुम्हारा expectation होना चाहिए that मुझे इसमें यहाँ से यहाँ पहुँचना है. Reverse calculate your MPM. मुझे MPM चाहिए 1.5. समझो ग्रामर में मेरा ग्रामर का MPM is 1.5. मतलब अगर मैं 10 मिनट डाल रहा हूँ तो मेरे 15 क्वेश्चन सही होने चाहिए. अगर 15 क्वेश्चन सही एंड माय एक्यूरेसी इज 75% इन ग्रामर, तो 20 क्वेश्चंस में से मेरे 15 राइट होने चाहिए एंड आई शुड सॉल्व देम इन 10 मिनट्स. दैट इज हाउ यू रिवर्स कैलकुलेटेड. यू यूज एन आइडियल एमपीएम टू फिगर आउट कितने क्वेश्चंस में से कितने सॉल्व कितने टाइम में होने चाहिए. ओके, डज एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? यस सर. यस सर. यज्ञेश, एमपीएम का स्क्रीनशॉट निकाल के कोई फायदा नहीं है. देयर आर टू मेनी फॉर्मुलास व्हिच आर वर्किंग देयर एंड आई गेस द वी लुकअप एंड एवरीथिंग दैट आई हैव यूज्ड देयर इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफरेंट. सो जिनको जम गया वो लोग बना लेंगे, बट स्क्रीनशॉट निकाल के देयर इज नो यूज. एंड इनफैक्ट इवन इफ यू यूज माय एमपीएम शीट, इवन इफ आई गिव इट आउट, इट इज यूजलेस बिकॉज़ आई हैव मेड इट. ओनली आई कैन एनालाइज इट और आई कैन टीच यू हाउ टू एनालाइज इट एंड दैट इज समथिंग दैट आई ओनली डू फॉर माय स्टूडेंट्स. तो ले लो यार, YouTube पे तुम्हें स्क्रीनशॉट मिल जाएगा इसका. So I'm pretty confident, it's a very very safe tool that I have. नहीं सर, बस एवरेज एमपीएम जानना था, मतलब कौन से क्वेश्चंस को कितना टाइम अलॉट करना चाहिए. एवरेज एमपीएम 1 है. पूरी सीईटी का एवरेज एमपीएम 1 है बिकॉज़ 200 में से 150 मार्क्स है. 150 मिनट में you will be at JBIMS. खत्म सर. ओके, very simple. But the thing is that the weighted average for all of them will remain very different. Grammar का अलग, LR का अलग, standalone का अलग, CR का अलग, quants में technical calculative DI का अलग, abstract का अलग, English में जैसे मैंने देखा है 4 parts होते हैं, चारों का अलग अलग MPM requirement होता है. If you are able to ace that, then your exam is very well done. Then you are preparing in the right manner. वरना क्या तुम कर रहे हो, तुम लोग ब्लाइंडली बस सॉल्व करते रहोगे, मॉक्स देते रहोगे, एंड दैट इज व्हाई स्टूडेंट्स से दैट अरे मैंने 60 मॉक्स दिए फिर भी मैं फेल हो गया। एंड इफ यू लुक एट द टॉपर का इंटरव्यूज, मेरे जो आई गेस यू हैव सीन माय टॉपर्स इंटरव्यूज, नोबडी सेज दैट 60-70 मॉक्स दिए। एनी ऑफ माय स्टूडेंट्स डोंट टेक 60-70 मॉक्स। आई टेल देम दैट एक मॉक को एनालाइज करने में ही तुम्हें आराम से अगर मेरे तरीके से किया तो 2-3 दिन लग जाएगा, और अगर 2-3 दिन लेके तुम मॉक प्रॉपर्ली एनालाइज कर रहे हो ना, तो तुम ट्रस्ट मी 10-15 मॉक में भी जेबीआई उड़ा सकते हो इफ यू आर डूइंग इट इन द राइट मैनर। सो दिस इज माय रिकमेंडेशन टू यू गाइस। ओके, आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर। सर, आई हैव अ डाउट। या, गो ऑन। सर, isn't it possible that MPM for every section for every other student will be different? As in, some will be good in quants, other will be in grammar or VARC. समझ, अगर तेरा MPM in grammar is 1.7, that means that you can afford to have an MPM of 1.3 somewhere else or 0.8 somewhere else. But that means अगर grammar के 20 questions है, तू जो topic में 20 questions है, उसमें 1 की जगह पे 0.8 रख सकता है, अगर तेरा इसमें इतना ज्यादा है तो। Then it becomes a trade off. ये trade off का लॉजिक मैं बहुत बाद में बताता हूँ। ट्रेड ऑफ पे अभी ध्यान मत दो। राइट नाउ योर गोल इज जो एमपीएम बोला है वो एमपीएम उतना का उतना लेके आओ, एंड देन यू विल डू अ ट्रेड ऑफ। अगर मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा हूँ तो मैं कौन सी जगह पे कम ध्यान देके यहाँ पे ज्यादा मार्क्स निकाल सकता हूँ, बिकॉज आई विल यूज माई प्रोफिशिएंसी हियर। तो फॉर एग्जाम्पल माई ग्रामर का एमपीएम इज नॉट 1.5, माई ग्रामर का एमपीएम, मेरे पूरे 20 क्वेश्चन हो जाते हैं 10 मिनट में, एंड आई ऑलमोस्ट हैव ऑल ऑफ देम राइट। बट देन माई एमपीएम इज ऑलमोस्ट 2, बट आई कॉम्पेंसेट इट बाय, और how can I say, that is a compensation for my MPM being worse somewhere else. Are you understanding? But that is a trade-off का logic which happens much later. For right now, my goal has to be मैं सबको जो level पे बोला है वो level पे लेके जाओ। बाद में जिसमें मैं अच्छा हूँ वो देखो, मैं इसमें ज्यादा अच्छा हूँ तो मैं बाकी जगह पे थोड़ा कम हो सकता हूँ, बट कौन सी जगह पे कम हो सकता हूँ selectively do that, so that तुम्हारा ऐसा ना हो that तुम 3 मार्क कमाने के चक्कर में 5 मार्क गवा दो, because वहां पे मैंने कम ध्यान दिया। The goal is अगर यहाँ पे 3 मार्क बढ़ रहे तो वहां पे 2 ही मार्क कम होने चाहिए। That is the meaning of proper analysis, and इसीलिए मैं बोलता हूँ कि 2.5 घंटे की मॉक की एनालिसिस को एटलीस्ट 2-3 दिन जाना चाहिए, वरना तुम मॉक एनालाइज ही नहीं कर रहे प्रॉपरली। Who was asking? Sir, I, Ninad. Sorry, what? Ninad. Ninad, अच्छा Ninad. Yes. Yeah. तो guys, I hope this is clear. Now let's start with the lecture. I know बहुत सारे लोग बस वो ट्रिक्स सीखने आए हैं। And these are the things important to understand, guys, because ये सारी चीजें तुम्हें कोई नहीं बताता। Like I guess no other classes is telling you this, but ये चीजें मेन जरूरी है। सिर्फ लेक्चर्स खत्म करना बहुत इजी है, बट ये सारी चीजों की वजह से ही you end up making a difference. Okay? चलो, let's start. So क्रैक एवरी टेस्ट का डेमो लेक्चर, एज आई टोल्ड यू थोड़े टॉपिक्स में इसमें उठाने वाला हूं। लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद स्पीड मैथ्स। स्पीड मैथ्स में आई एम गोइंग टू टेक अप मल्टीप्लिकेशन, आई एम गोइंग टू टेक अप स्क्वायर रूट्स, एंड चलो एक क्यूब भी ले लेता हूं। क्यूब, स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके, चल लेट्स टेक मल्टीप्लिकेशन। टेल मी गाइस, अरे ओह सॉरी, एक्स्ट्रा वो डालना भूल गया मैं। गाइस टेल मी एनी टू नंबर्स जिनका मल्टीप्लिकेशन करना है, जल्दी बताओ। यू गाइस हैव टू बी क्विक। ये लेक्चर 2 घंटे का होने वाला है, 4 घंटे नहीं। टेल मी एनी टू नंबर्स। 84 into 87, 95, बच्चे के दो। 289। सॉरी व्हाट? 515 into 289। हाँ मतलब तुम्हारे सपने ही है मुझे साल के 1 लाख कमाने, तो क्या चलेगा गाइस। सपने बड़े रखो भाई। 515 into 285, 289। ओके, 289। अरे बड़े नंबर सोचो यार। ओके, नाउ द वे दैट यू मल्टीप्लाई। सॉरी, आगे कुछ लगा दो, बड़ा हो जाएगा। चलो ठीक है, आई डोंट माइंड। पहले एक्सप्लेनेशन के लिए छोटा समझाता हूँ, बाद में बड़ा नंबर करके दिखाऊंगा कैसे करते हैं। चलो, द वे ऑफ कैलकुलेटिंग इज हर नीचे वाला नंबर ऊपर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है। ओके, एक के बाद एक, एवरी स्टेप में। समझो अगर मैंने 9 से, ऑब्वियसली मैं 9 से ही चालू करूंगा। 9 पहले स्टेप में 5 से मल्टीप्लाई होगा, बाद में 1 से होगा, बाद में 5 से होगा, खत्म। 9 का काम खत्म. द गोल इज नीचे वाले सारे नंबर्स को ऊपर वाले सारे नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है एक बार, दैट्स इट. बट अगर तुमने किसी को हाथ लगा दिया तो वो जब तक उसका काम खत्म नहीं हुआ तब तक वो शांत नहीं बैठ सकता. सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 9 को 5 से मल्टीप्लाई किया पहले टाइम में, ठीक है, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? 9 into 1. Exactly, 9 into 1. बट 9 into 1 ना तो 5 अकेला रह गया, जबकि 5 को मैंने हाथ लगाया, मैं उसको शांत नहीं छोड़ सकता. I have to multiply 8 by 5. Next step में क्या होगा? 9 into 5. Exactly, 9 into 5. 8 into 1. 8 into 1 because सब आगे आगे बढ़ रहे हैं. 2 into 5. Exactly, 2 into 5. बट अब ये हो गया तो 9 तो तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया ना, 9 का काम खत्म. You don't have to do it anymore. So next step will be 8 1 के साथ होगा तो 8 5 के साथ होगा, 2 1 के साथ होगा. Next step 2 into 5. बाकी सब नंबर सबके साथ मल्टीप्लाई हो गए. Your answer is done. Don't worry, I'll explain it to you. मैं solve भी करके बताता हूँ. ये देखो 9 into 5 क्या आता है? 45. 5 4. 9 plus 40. 49. 49 plus 4. 53. 3 5. 5 into 9, 5 into 2. That is 5 into 11. 55. 55 plus 8, 63. 63 plus 5, 68. 6 carryover. 8 into 5, 40. 40 plus 2, 42. 48. And यहाँ पे 4. 10 plus 4, 14. That is your answer. Anybody can try the calculator. यही आना चाहिए. कोई कैलकुलेटर लेके बैठो हाँ ना बोलने के लिए. Yes, sir. Yep. See, did you guys understand the method of calculation? Obviously, तुम्हें immediately याद नहीं रह जाएगा. तुम्हें ये YouTube वीडियो 1-2 बार और देखनी पड़ेगी शायद. But तुम्हें समझा that what is the method that हर जन एक-एक step आगे बढ़ता है. Now let's try to solve a bigger number. कोई मुझे 2 बड़े numbers दो. 28537. हेलो 28537 लिखा मैंने. ओके सर. 56394. 56 स्क्रीन के बाहर चला जाएगा. लेट्स टेक 5, लेट्स टेक 4 डिजिट इनटू 4 डिजिट. 4 डिजिट. ओके सर, तो स्क्रीन में रहेगा. 5234. 5234. यस सर. चल लेट्स स्टार्ट. एवरी टाइम द कैलकुलेशन विल बी इन वन लाइन ओनली, मतलब वो 2-2 लाइंस की जरूरत नहीं पड़ेगी. ओके Seven into 4, 28. 2 carry over. 3 into 11, 33. 35. 3 carry over. 5 into 4, 20. 20 plus 9, 29. 29 plus 14, 43. 43 plus 3, 46. 4 carry over. 8 into 4, 5 into 3, 5 into 2. So 3 into 7, 3 into 7 plus 7 into 5. That is 8 into 7. 8 into 7 plus 8 into 4, that is 8 into 11. That is 88. 88 plus 4, 92. 9. एक मिनट, ये किसी को समझा या नहीं समझा? ये जो मैंने लास्ट स्टेप किया वो समझा या नहीं समझा? नहीं समझा. फिर से सर वापस से बताओ. ओके बताता हूँ. चलो यहाँ पे एक मिनट, कैरी ओवर क्या था मैं भूल गया. 9 4 था ना कैरी ओवर. ओके लेट मी टीच यू दिस वे ऑफ कैलकुलेटिंग दैट आई डू दैट मेक्स इट मच फास्टर. 7 into 4, 28. इतना सबको समझा? Yes, sir. Yes. Yeah. Please be on mute so that I know. लेक्चर में अनम्यूट पे रहने का. Okay. 3 into 4 plus 3 into 7. 3 into 4 plus 3 into 7. That is 3 into 11 plus 7. 12 plus 3 into 11. ये समझा सबको? Yes, sir. Yes. हाँ. तो you have to try to find same multiples of each and everything. तो 3 into 11, 33. 33 plus 2, 35. 5. 3 carry over. Okay. अब क्या सीन है? 5 into 4, 20. 20 guys, जिसके आजू-बाजू शोर है प्लीज म्यूट. You guys have to have that much at least sympathy for others. इतना सोचो सबके बारे में. Yeah. 20 plus 9 प्लस 14. दिस हाउ यू कैन मेक इट इजियर. ये देखो 5 into 4 है, मैं उसको 2 into 10 लिख सकता हूँ, राइट? मैं 5 into 4 करूँ, 2 into 10 करूँ, आंसर तो सेम ही आता है ना. तो मैं 2 into 10 plus 2 into 7 करता हूँ, तो 2 into 17 34, 34 plus 9 43, 43 plus 3 47. ओके 43 plus 3 46 6 4 कैरी ओवर. ये समझा सबको? नाउ इज अ बिग स्टेप. अब ध्यान रखो 8 into 4 5 into 3 3 into 2 3 into 5 3 into 2 is 3 into 7, right? 3 into 7 plus 5 into 7 is 8 into 7, right? 8 into 7 plus 8 into 4 is 8 into 11. समझे? 88 plus 4 92 9. अब सबको समझा? Yes, please. 3 into 5 3 into 8 is 3 into 13 39 39 plus 10 49 49 plus 9 58 5 carry over 16 plus 25 41 46 4 carry over 44. That is your answer. सबको समझा है मैंने कैसे किया? सर एक बार छोटे नंबर से बताओ ना सर. 9 के बाद कैरी ओवर, 9 के बाद कैरी ओवर. अरे यार सम के बीच में से है ना, तो नहीं हो सकता है. आई टीच द फुल सम, बट सम के बीच में से मैं उठा नहीं सकता बिकॉज़ एट दैट पॉइंट वो दिमाग में क्या कैलकुलेशन था वो याद नहीं रहता है. ठीक है okay. सर आप है ना एक बार वो लिख के दिखाओ ना, मींस आप जो प्लस करते हो ना वो. ओह वो तो बहुत लंबा. एक ही स्टेप मींस 4 into 5 करते समय ना वो वाला एक ही सब नंबर्स का बड़ा बड़ा होता है ना तभी. सर एक बार वैसे नंबर कीजिए ना जो ऊपर के 4 नंबर और नीचे के 4 नंबर अलग अलग हो, मतलब टोटल 8 नंबर अलग हो तो कंफ्यूजन नहीं होगा. चलो वैसा करना है तो वैसा करते हैं. हर चीज में जुगाड़ बैठता है. यू जस्ट नीड टू नो हाउ टू प्ले विद नंबर्स. ये देख मल्टीपल्स निकाल के सर फिर कॉमन नंबर कर सकते हैं ना फिर. परफेक्ट, वही तो बोल रहा हूँ मैं. हर चीज में जुगाड़ बैठता है. 5 6 7 8 ये चलेगा सब अलग अलग नंबर्स. यस हाँ या नहीं? यस सर. अब देखो इसमें मैं कैसे जुगाड़ बैठा था. 32 2 3 कैरी ओवर 8 into 3 4 into 7 that is 4 into 6 4 into 7 is 4 into 13 52 5 carry over. उसके बाद 8 into 2 4 into 6 is what? 8 into 2 and 8 into 3 8 into 5 40 plus 21 is 61 61 plus 5 66 6 carry over. 8 into 1 4 into 5 is 4 into 2 plus 4 into 5 is what? 28. Perfect. Whoever said 28 बराबर. 28 is 7 into 4 plus 7 into 2 is 7 into 6 42. 7 into 6 plus 6 into 3 is 6 into 10 60. 60 plus 6 66. तुम लोग देख रहे हो मैं कैसे भी कोई भी नंबर को क्लब करके बना सकता हूँ. यस सर. बस वो नंबर्स देख के तुम्हारे दिमाग में वो जुगाड़ बैठ जाना चाहिए. प्रैक्टिस करने के बाद ही पर फटाफट क्लिक होगा ना. अभी जैसे फर्स्ट टाइम कर रहे तो उतना जल्दी क्लिक नहीं हो रहा. मैं सिखा रहा हूँ, मैं सालों से कर रहा हूँ यार ये. आदत बैठेगी धीरे धीरे. 7 into 1 plus 15 that is 22. 22 plus 12 22 is 2 into 11 so 2 into 11 plus 2 into 6 2 into 17 34 34 plus 6 40 0 4 6 and 10 16 16 plus 4 20 0 2 5 6 7 ये तुम्हारा आंसर. ओके नाउ दिस इज व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू यू गाइस. व्हेन आई सॉल्व इट बाय माय सेल्फ ऑन पेन पेपर तो और फास्ट होता है, तो बहुत फास्ट होता है. आई डू इट 4 by 4 डिजिट नॉर्मली 45-50 सेकंड्स में हो जाता है सॉल्विंग कैलकुलेशन. बट दैट इज द वे दैट यू सॉल्व. यस तरीके होते हैं जैसे तुम्हें वो क्लब करते आना चाहिए. आई डोंट नो दैट मैं वो स्पीड मैच के फ्री के सम्स भेज रहा हूँ रोज. अब मैंने चालू किया है आज के दिन से. फॉर द नेक्स्ट 30 डेज आई एम गोइंग टू सेंड स्पीड मैच का प्रैक्टिस सम्स एवरी डे मेरी टेलीग्राम चैनल पे. आई होप ऑल ऑफ यू हैव जॉइंड. इफ यू हैवंट देन प्लीज जॉइन इट. मेरी आज की वीडियो देखो तुम्हें लिंक मिल जाएगा। ओके चलो, दिस इज द वे टू फाइंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी नंबर्स। किसी को छोटे नंबर से भी ट्राई करना था ना? हु वाज द गर्ल सेइंग दैट छोटे नंबर ट्राई करो? सर आई वाज स्वाति। आई मतलब कौन? स्वाति। स्वाति स्वाति, टेल मी थ्री नंबर्स। अरे टू नंबर्स। सो 3 क्रॉस 2 करो ना, मतलब 3 डिजिट एंड 2 डिजिट। चलो 347 into 58, okay? चलो let's make it tougher. 52, fine? वो भी बैठेगा, तो इधर क्या ले? 53. चलो 53 will be the toughest here because तो ही उसका वैसे की मल्टीपल बैठ रहा है, okay? चलो टेल मी हियर, यहाँ पे क्या होगा गाइस? व्हाट, एक मिनट, व्हाट इज द गोल? मैंने सबसे पहले क्या बोला था? गोल क्या है? किसी को मिनिमम टाइम में सॉल्व करना है इसे। अरे यार नहीं, किसी को अकेला नहीं छोड़ना नंबर। एग्जैक्टली, किसी को अकेला नहीं छोड़ेगा और सारे नीचे वाले नंबर सारे ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होने चाहिए एक बार, राइट? तो लेट्स स्टार्ट इट। 3 into 7 20, 2 कैरी ओवर, 12 plus 35, 47, 49, 9, 4 कैरी ओवर। 7 का काम हो गया, खत्म, तो 7 को छोड़ दो। 3 into 3 9, 9 plus 20 29, 29 plus 4 33, 3 कैरी ओवर, 3 का भी काम खत्म हो गया, छोड़ दो। 5 into 3 15, 15 plus 3 18, ये आ गया तुम्हारा आंसर। समझा 3 by 2 का मल्टीप्लीकेशन कैसे चलता है? The goal is simple. हर एक नंबर आगे 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 बढ़ता रहेगा, that's it, okay? तो थर्ड प्लेस को जीरो कंसीडर करके भी कर सकते हैं, मतलब करो ना, क्या फर्क पड़ता? अगर तुम लोग को एक्स्ट्रा लेवल ऑफ कैलकुलेशन चाहिए तो जीरो मल्टीप्लाई करो, मैं वो नहीं करता। एंड ये ना बुरी आदत बिठा रहे हो तुम जानबूझ के बुरी आदत बिठा रहे हो, ओके? चल now in this now guys, just remember one thing, when there are bigger multiplications for practice, when I say like something like this into 4792, तो इसमें ना लोग कंफ्यूज हो जाते हैं that अरे मैं यहाँ से यहाँ पहुंचू तो बाकी लोग किससे मल्टीप्लाई होंगे, कंफ्यूजन होता है। व्हाट इज अ सिंपल वे टू डू इट? 2 अगर 8 के साथ हो रहा है, बाकी 4 लोग की ट्रेन इसके पीछे ही चलेगी। 9 into 6, 7 into 1, 4 into 1। अगर 2 हो रहा है 7 से मल्टीप्लाई, तो 9 7 4 इधर मल्टीप्लाई होंगे, 9 7 4। समझ रहे हो? तो तुम कभी भी गलत नहीं पढ़ोगे अगर तुम इसे ऐसे ट्रेन की तरह ट्रीट करते हो तो। जो पहला आएगा उसके पीछे बाकी सब ट्रेन में ही चलते रहते हैं। क्या सबको? यस सर, यस सर। सो नाउ मल्टीप्लिकेशन इज डन, लेट्स गो ऑन टू फाइंड क्यूब्स ऑफ एनीथिंग। क्यूब्स के बाद स्क्वायर रूट्स लेते हैं, ओके? नंबर बोलो, 2 डिजिट नंबर का क्यूब, कोई भी 2 डिजिट नंबर बोलो, किसका क्यूब निकालना है? 29। चलो 29। अब इसके लिए तुम लोग को 1 से 9 का क्यूब आना चाहिए, वो मैं हेल्प नहीं कर सकता। सिंपल लॉजिक इज 2 क्यूब यहां लिखो 8, 9 क्यूब यहां लिखो 729, 2 square into 9, 2 square into 9 इज 36. 9 square into 2 is 186. 162. 190, 170 कहाँ पहुंच गए थे? अब वेरी सिंपल, यहाँ पे x डालो, यहाँ पे x डालो, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। और यहाँ पे इसका डबल लिख दो, इसका डबल इज 324, इसका डबल इज 72। तुम्हारा सम ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया। मतलब कैसे? 729 और नॉर्मल एडिशन करता है। 9 लिखो, 72 कैरी ओवर, 162, 324 एंड 72 ऐड करो, 486, 488, 488, 558, 855 कैरी ओवर, 70, 30, 50, 150, 150 प्लस 13, 163, 316 कैरी ओवर, 8 plus 16 is 24, तुम्हारा आंसर। समझा सबको? What are the steps? मेरे को बताओ। Somebody please repeat the steps. What are the steps? बोलो। सर एक तरफ 2 का क्यूब लेना है, एक तरफ 9 का क्यूब लेना है। दूसरे बार में 2 का स्क्वायर लेके 9 से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद 9 का स्क्वायर लेके 2 से मल्टीप्लाई करना है, और सेकंड में जो हमारा 2 स्क्वायर करके 9 का मल्टीप्लाई किया उसका डबल करना है, और या 9 का स्क्वायर इंटू 2 से मल्टीप्लाई किया उसका डबल करना है। और यहाँ पे में सिर्फ जो यहाँ का जो यूनिट प्लेस पर 9 है वही लेना है, और बाकी जो ये 72 इसे कैरी ओवर करना है, फिर यहाँ 1 डिजिट लेना, फिर उसे कैरी ओवर करना और आखिरी में ऐड करना है सिर्फ। Perfect. This is how you can find the cube of any two-digit number. Any. Tell me a tougher number. Chalo. 93. 9. 3 मत बोलो, मतलब से छोटे numbers मत डालो उसमें. 87, 89, 98. 87, 87. चलो 80. 98. 98 कैसे solve करेंगे guys? बोलो. से 2 का माइनस 100 में से 4 का माइनस 2 का माइनस 100 में 2 का माइनस 100 माइनस 2 द होल क्यूब कर दो। हाउ डू यू सॉल्व 100 माइनस 2 द होल क्यूब? x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर द एंटायर क्यूब इज x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y माइनस 3xy स्क्वायर प्लस y क्यूब। अरे x प्लस माइनस वैसा आता है। समझी? हूएवर सेड 98 डू यू अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व इट? हां या नहीं? Yes. If you are asking me something and if I ask you answer immediately, huh? I'm very impatient that way. I need answers. Chalo, let's start. So tell me number again. 87. 87. 87. Chalo, 87. तुम लोग बोलो 8 cube 7 cube and 8 square 8 square 7 and 7 square 8. बोलो जल्दी. 8 cube is 512. 512. Perfect. 512. गाइस जल्दी होना चाहिए। हाँ ये 512 को इतना टाइम नहीं लग सकता है। 343 64 into 7 is 420 plus 28 448 क्या? 64 into 7 is 420 plus 28 सर 392 आएगा। 392 कैसे? ना 8 square 448 हाँ 448 448 ये मेरे को आता है मल्टीप्लिकेशन, ऐसा मत बोलो। 448 49 into 8 is 50 into 8 minus 1 अरे minus 8 50 into 8 कितना होता है? 400 400 minus 8 is 392 अब इसका डबल करो 784 हाँ 84 इसका 896 परफेक्ट सिंपल 343 334 कैरी ओवर। अब बताओ इसको ऐड कैसे करोगे? जल्दी ऐड कैसे करोगे? द वे टू ऐड फास्टर 100 प्लेसेस लेके उसके बाद 10 प्लेसेस के बाद यूनिट प्लेस। हां ऐसा नहीं सर मैं बोल रहा हूं सबको 300 प्लस 700 1000 हो गया सर इधर हमारा। वो भी जरूरत नहीं है, उसे इजी बोलता हूं मैं। देख 34 को ब्रेक डाउन करो और इनको 100 बना दे। इसको 100 बनाने के लिए क्या चाहिए? 8 चाहिए 34 में से 8 निकाल दे, यू विल गेट 26। तो ये बन गया 400 एंड ये बन गया 26। इसको कितना चाहिए? इसको 16 चाहिए तो इसको दे दे 16। इसके बाद 10 ये बन गया 800 1200 प्लस 10 कितना बचा? 1210 हो गया। 1212 इज इज नॉट इजियर मच इजियर राइट? Yes, sir. सबको 100 बनाने की ट्राई करने का। चलो 100 बनाना है तो कैसे बनाएगा? उसमें सर 42 ऐड करना नया सॉरी 52 ऐड करना पड़ेगा और उससे 52 और इधर नीचे हमें 4 ऐड करना पड़ेगा। ये मैंने तेरे साथ गेम खेला और तू गेम में फंस गया। मेरे को जरूरी है क्या 121 को ब्रेक डाउन करना? नहीं, मैं कोई भी नंबर को ब्रेक डाउन कर सकता हूँ। मुझे काम क्या है? मेरा काम फास्ट होना चाहिए। इसको 444 इसको बना दे 900 इसमें से 44 यहाँ डाल दे ऊपर तो ये बन गया 400 44 यहाँ ऊपर डाल दिया तो 165। नाउ इज दिस नॉट सिंपलर? 1300 प्लस 165 1465 तो 146। अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। हमें सिर्फ मेहनत कम करनी है बेसिक। 512 658 एंड दैट इज योर आंसर। You see 87 का क्यूब हमने बहुत जल्दी ढूंढ लिया। अगर तुम यही 87 into 87 करते पागल हो जाते। ओके Does everybody understand? Yes. Yes, yes sir. Yes sir. Let's. ये तुमने क्यूब सीखा। कोई भी नंबर बताओ, 4 डिजिट कोई भी नंबर बताओ। चलो 7 6 7 8 7 8 7 6 7 8 5 8 7 5। वो जल्दी बोल गया तो यू लूज। 5875 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। इसके एंड में 5 आएगा। सॉरी सर, इसके स्क्वायर रूट जो है, जो इसका स्क्वायर आएगा वो नंबर के एंड में 5 रहेगा। 5 का मल्टीपल है इसलिए 5 है। अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो 5 का कोई भी नंबर के एंड में क्या आता है? अगर 5 रहा तो 5 आने वाला है। नहीं, 75 कहां से आया? 5 एंड 0 सर, इसके एंड में 5 है ना। स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं ना हम सर। स्क्वायर रूट ले, क्यूब ले, 5 का जो भी मल्टीपल रहेगा उसके एंड में 5 ही आने वाला है। 35 का स्क्वायर रूट क्या है? सर परफेक्ट बोल नहीं है ना ये। नहीं, तेरा लॉजिक गलत है। द लॉजिक इज जब एंड में 25 होता है तभी स्क्वायर रूट का एंड में 5 होता है। ओके, गलत कुछ मत पढ़। ओके ओके सर, थैंक यू। यही होता है YouTube पे। आई नो यू सी दिस ऑन YouTube, बट YouTube पे दे गिव आउट हाफ इंफॉर्मेशन। they will only teach you tricks which apply to that sum. वो problem है, इसलिए YouTube is the worst place to learn. Get a proper mentor. चलो 5875 इसका निकालना है। बोलो कैसे निकालोगे? चलो, what is the nearest square? 3600. Sorry, what? 3600. 7 8 700 3600 सर, 5875 के पास में 5600 परफेक्ट स्क्वायर है क्या किसी का? 4900। नहीं सॉरी, 4900 है। 4900 तो बहुत नीचे है। 4900 के बाद तो कितने सारे आ गए? 5625 किसका स्क्वायर है? 75। चलो 75 का स्क्वायर, तो ये 75 के, लेट्स फाइंड 76 का स्क्वायर। 76 का स्क्वायर कैसे निकालोगे? 5625 को यूज करके, 5625 को यूज करना है। 5625 76 स्क्वायर निकालना है। देन आई विल ऐड 151 टू दिस। हाउ? 151 इसमें ऐड करो, कितना बन जाएगा? 1776। दैट इज 76 का स्क्वायर। अरे सॉरी, 5776। अब मुझे 57 का स्क्वायर निकालना है। सॉरी, 77 का स्क्वायर निकालना है, तो कैसे निकालूंगा? बोलो। 153 ऐड करो इसमें। 153 ऑब्वियसली इससे ऊपर चला जाएगा, तो ये तो फायदा नहीं है। So the answer should be 76 point something. Is that right? हाँ या नहीं? Yes sir. 76 point something. तो अब यहाँ पे 5776 माइनस कर दो, कितना बचा? 99। 99 बचा है ना? 99 को इसके डबल से डिवाइड कर दो। 99 divided by 152. That is how much? That is approximately 100 divided by 150. 150. That is approximately 0.66. Somebody please try to find the actual square root of 5875. .64. You see how close I am? 76.6. Yes. 76.64, right? Yes, sir. 648. See, मतलब 65. So now do you understand how close I am? But I used a very short method. The method is इसका nearest square on the lower side minus करो, उसका square root क्यों, जो remainder बचा ना उसके double से divide कर दो। Remainder को इसके double से divide कर दो. You will get your answer. This is the closest square root finding way of any number. मुझे और एक नंबर बताओ। चलो let's try once more. सर एक डाउट है, आपने पिछले साल में 151 और 153 क्यों ऐड किया था फॉर द नेक्स्ट नंबर का? अच्छा, ओ सॉरी, आई नॉर्मली टीच दिस इन माय फर्स्ट लेक्चर, तो स्टूडेंट्स को ऐसा मुंह पे होता है। सो द वे टू फाइंड अ स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर from the square root of आजू बाजू का number is, चल let's try to find it by easy numbers. मुझे कोई easy number बताओ जिसका square तुम्हें पता है. 1369. Easy, छोटा. 144. 144. Okay. 144 is 12 का square. Is that right? Yes, sir. Yes. If I want to find 13 का square, what will I do? I will add 12 plus 13. What will I get? Calculate करो. 169. This is 13 square. If I want to find 14 का square, what will I do? Plus 13 plus 14. What do I get? 196. This is a property of squares. सेम नंबर प्लस नेक्स्ट नंबर ऐड करो तो बन जाएगा. सेम नंबर प्लस नेक्स्ट नंबर ऐड करो तो अगला स्क्वायर बन जाएगा. सिमिलरली इफ आई वांट टू फाइंड ऑपोजिट साइड पे, मुझे बड़ा वाला स्क्वायर पता है, मुझे 75 का पता है, मुझे 74, चलो 35 का स्क्वायर इज 1225. 1225. अब बताओ मैं इसमें से अगर मुझे 34 का स्क्वायर निकालना है, व्हाट विल आई डू? -35 -34. I will get 34 का square. I do -34 -33. I get 33 का square. So basically, if I want to find 35 के square से 33 का square, I can just subtract 34 4 times. So that is how much am I subtracting? 120 and 16. 136 इसमें से minus करो. So I will get 33 का square. So 1225. माइनस 136 सब्ट्रैक्ट करो. 1100 माइनस 1189. 1089. That is your answer. समझे? Do you understand? The girl was asking. Yes sir. Yes sir. So in my mind, I directly did 75, 76, 151. 76, 77, 153. तो बैठ जाता है उसमें. समझ रही है? Yes sir. Yeah. These are all observational tricks that I have made up myself. मतलब ये किधर मिलता नहीं है. Sir, same number और उसका आगे का number का एक बार बस repeat कर दोगे क्या? Same number उसके आगे का number. Yes sir. Okay. Hello sir. So you can go one step ahead in squares and square roots. ऐसा. Hello sir. Yes. Hello. Sir, sorry to interrupting you. सर मैं तब से लॉगिंग तब से आ रहा हूँ मैं, तो आप मुझे निकाल रहे हो सर. व्हाट इज द रीजन? कैमरा तो मेरे सर ये नहीं मालूम था ना सर. एक मिनट और मैं नहीं निकाल रहा हूँ, एक स्पेशल पर्सन है जो निकाल रहा है. दिख रहा है क्या सर? अभी मुझे क्या पता, आई एम नॉट सीइंग इट. आशीष देख रहा है, आशीष को बोलो. ओके चलो सर, ऑन तो कर दिया मैंने. चलो लेट्स गो गाइस. सबको समझा मल्टीप्लिकेशन, क्यूब्स एंड स्क्वायर रूट्स? यस सर. ये तीनों के तुम्हें आने वाले हैं क्वेश्चंस. मैं तो रोज भेजने वाला हूँ टेलीग्राम पे, तुम लोग सॉल्व करेंगे तो ये तुम्हें बहुत काम आएगा. एंड आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ फास्ट यू कैन सॉल्व यूजिंग दीस थ्री ट्रिक्स. ये तीनों चीजें तुम्हें डीआई में और क्वांट्स कैलकुलेटर में बहुत ज्यादा काम आएगी. बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करो. इफ यू आर अ क्रैक एवरी टेस्ट स्टूडेंट तो मैं तुम्हें जख मारवा के ये सब करवाता हूँ. So I have rules that I take elimination rounds. लेक्चर के स्टार्ट में स्पीड मैच का राउंड होता है. अगर तुम पास नहीं हुए तो लेक्चर के बाहर. You have to be prepared each and every day. रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी to continue studying. Okay? That is why I end up getting results. क्योंकि मैं तुम लोगों को ऐसे निचोड़ के मैं निकालता हूँ तुम्हारे. That is the point. चलो, let's go to a few sums. The daily maximum temperature in Delhi for 7 consecutive days is 42.7. इतना 7 दिन का तो मिला है. Okay, 7 दिन का तुम्हें टेम्परेचर दिया हुआ है. You have to find the average maximum daily temperature. 1.3. What is average का मतलब anyone? What is the meaning of average? 0.3. -3.9 नंबर जो पूरा डेटा को रिप्रेजेंट ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑब्जर्वेशंस. हूएवर सेड डेटा को रिप्रेजेंट कर सके इज राइट. एवरीबॉडी एल्स इज जस्ट स्क्रूइंग अराउंड. गाइस मैंने एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं वो नहीं पूछा है. मैंने सिर्फ पूछा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज. गले की खराश म्यूट करके साफ करो प्लीज, वो खरा खरा ऐसे इधर मत करो। ओके चलो, नाउ गाइस एवरेज का मतलब इज अ रिप्रेजेंटेटिव फॉर ऑल, वो सबका रिप्रेजेंट कर सकता है अंदाजन, अप्रोक्सीमेट आंसर जो अंदाजे से बोलता है ना वो होता है एवरेज। सो हाउ डू आई फाइंड एवरेज? एवरेज मोस्टली क्या होता है, बीच का वैल्यू, ऐसा मोटा मोटी अगर हिंदी में बोलेंगे तो बीच का वैल्यू एवरेज होता है, राइट? हाँ या नहीं? बट नाउ द पॉइंट इज दैट एवरेज का ये बीच का वैल्यू का मतलब एक अलग तरीके से होता है, इट्स नॉट एग्जैक्टली बीच का वैल्यू। अगर मुझे कोई एक नंबर बड़ी साइड पे बहुत ज्यादा बड़ा है तो उसका वैल्यू अलग हो, वो पूरे एवरेज को अपनी साइड खींच लेगा। वो छोड़ो, मैं एमबीए प्लेसमेंट्स के बारे में बात नहीं करता, वो कभी बाद में बात करेंगे। एमबीए के प्लेसमेंट जो नंबर्स निकलते हैं वो सब इस तरह से स्क्यू करते हैं, सारी कॉलेजेस के एवरेज पैकेज बहुत बड़ा स्कैम है। जिनको एवरेज समझता है उन लोगों को समझेगा। चलो सो यहाँ पे गाइस व्हाट आई सजेस्टेड, हाउ डू यू फाइंड एवरेज वेरी वेरी इजीली। इधर है ना, सारे नंबर्स को लाइन में लिख दो, 38.5, 39.1, 42, 42.5, 42.7, 43 एंड 44.6। सारे नंबर्स आ गए, 1 2 3 4 5 6 7, परफेक्ट, सारे नंबर्स आ गए। इसमें बोलो बीच की वैल्यू क्या है, अंदाजे से मोटा मोटी सिर्फ देख के बोलो क्या होगा बीच की वैल्यू। 40, अरे 44 38 है, 42.5 है ना सामने, 43 42, अरे 42.7 लिखा नहीं है, 42.5। हां 42.5 दो बार लिखा था, मेरी गलती। अरे मैं बोलता हूँ इतना मेहनत भी क्यों कर रहे हो, 42.5 पकड़ लो ना, क्या ही फर्क पड़ता है, टेक 42.5, इजी रखो अपना काम, इजी बनाओ, ज्यादा सोचो मत, ज्यादा सोचोगे गलती करोगे। ओके 42.5 अज्यूम्ड एवरेज है। ये देखो कितना दूर है, -0.5, -0.6, नहीं ये कितना कम है बोलो, -2, -2.6। ये वाला कितना कम है, -4। Is that right? ये वाला बताओ कितना ज्यादा है, +0.2, ये वाला +0.5, ये वाला +2.1, yes, बराबर। तो 39.1 is -3.4। ओ, I'm so sorry, my bad। मुझे वही लगा कुछ तो ऑफ लग रहा है मुझे, 39 इसको देख के, my mistake, a small calculation blunder. So yeah, 3.4, ये 0.5 0.5 कैंसिल हो गया, 0.2 plus 0.1 2.3 हो गया, 2.3 में से माइनस करो कितना आ गया, 1.7, सॉरी 1.1, हाँ 1.1 ना, 3.4 minus 2.3 तो 1.1, -1.1, -4 -1.1, टोटल कितना बचा, -5.1, राइट? ये क्या करोगे, इसको डिवाइड बाय 7, टोटल नंबर ऑफ पीपल। आंसर क्या आया, 0.7। अब 42.5 -0.7 करो, यू विल गेट योर आंसर, 41.7। ये आ गया तुम्हारा आंसर। ओके, that is how you solve the average of anything in the easiest way possible. Fine, ये सबसे फास्ट और सबसे इजी तरीका है of finding the average. There are 3 ways actually of finding averages. मैं ये लेक्चर में एक ही मेथड बता रहा हूँ एवरेज फाइंड करने का। There are 3 ways that I follow, depending on the sum, depending on the type of question, वो अलग अलग मेथड्स फॉलो होते हैं। चलो बट सर एक उस टाइप का सम आता है जिसके अंदर 1% ऐड हो जाता है या 1% माइनस हो जाता है। अरे रुक यार, रुक, ऐसा वाला सर वो टाइम एंड वर्क के बारे में बोल रहा है। नहीं, वो इसी सब के बारे में बात कर रहा है। Whoever asked, is this the question that you're talking about? Yes, sir. देखा? Question से पता चला। सर ये वाला क्वेश्चन तो हम इससे मिक्सचर एंड इससे भी एलिगेशन से भी निकाल सकते हैं इसका आंसर। करो ही मत, सबसे गलत तरीका को सॉल्व करने का। तुम लोग जानबूझ के ज्यादा ज्यादा मेहनत वाली मेथड्स कर रहे हो। मैं उसे इजी मेथड बताता हूँ। ओके चलो, लेट्स थिंक ऑफ अ सिनेरियो। मैं, ओमकार, यज्ञेश, रिद्धि और ऋतुकेश, हम पांच लोग बाहर गए। ओके चलो, हम पांच के पास 40 रुपए है, तो हमारे पास एवरेज कितने पैसे है? एवरेज 40 राइट, एवरेज 40। किसी और का नाम बोलो, मुझे किसी का नाम दिख नहीं रहा है। टेल मी किसी का नाम। प्रसाद। हाँ, प्रसाद। चलो प्रसाद आया, प्रसाद 40 रुपए लेके आया, तो हमारा एवरेज चेंज हुआ? नहीं। प्रसाद 50 रुपीज लेके आया, तो हमारा एवरेज चेंज हुआ? बढ़ेगा ना एवरेज? बढ़ेगा। प्रसाद 30 रुपए लेके आया, तो हमारा एवरेज चेंज होगा? राइट, घटेगा, कम हो जाएगा, राइट, कम होगा। अब कितने से कम कितने से ज्यादा होगा, ये लॉजिक समझो। अगर हम सबके पास 40 रुपए है और प्रसाद आया 12 रुपया एक्स्ट्रा लेके, मतलब 52 रुपीज लेके आया, तो लेट्स अज्यूम दैट वो 40 रुपए लेके आया, और बाकी के जो 12 रुपए एक्स्ट्रा है ना, उसमें सब में इक्वल बांट दिया, 2-2 रुपए। 12 रुपए एक्स्ट्रा 6 जन में उसने बांटता, तो उसने हर पर्सन को 2-2 रुपया एक्स्ट्रा दिया, तो सबका एवरेज कितना हो गया? 42। समझे? सिमिलरली ऑन द लोअर साइड, अगर वो 34 रुपीज लेके आया, तो एवरेज कितना हो जाएगा? वो 40 रुपए लेके आया, 13, और बाद में उसने सब में से 1-1 रुपया निकाल लिया, 39। वो 40 - 6 लेके आया ना, इसलिए सो दैट इज हाउ सब में से 1-1 रुपया निकाल के ओवरऑल एवरेज बिकम्स 39। डज एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? यस। मिस्टर एलिगेशंस का मेथड, ये वाला मेथड उससे बहुत ज्यादा सिंपल है, हाँ या नहीं? हाँ सर। मिक्सचर्स में गलती हो सकती है, इसमें गलती कभी नहीं होगी, आई कैन गारंटी। लेट्स लुक एट दिस सम। ये सम देखो, 9 लोग थे, सबके पास 2450 एवरेज था, एक जन निकल गया 2650 रुपया लेके। अगर वो 2450 लेके निकलता तो एवरेज चेंज होता था क्या? नहीं। वो 26, तो लेट्स अज्यूम दैट वो 2450 ही लेके निकला, उसने 2450 निकाले और बाद में ऊपर से 200 रुपया निकाले। 200 रुपया कैसे निकालेगा? बाकी के 8 लोगों के पास से उसने 200 रुपया निकाला, तो 1 पर्सन से कितना पैसा निकाला? 25 रुपया। 2450 माइनस 25 कर दो, योर आंसर इज 2425। डज एवरीबॉडी अंडरस्टैंड द मेथड? यस सर। इसलिए गलती से भी कभी मिस्टेक एलिगेशन यूज मत करना। एंड एवरीबॉडी ऑन यूट्यूब इज ब्लडी गोइंग टू टेल यू मिस्टेक एलिगेशंस ओनली, because they don't think in this way only। हाँ, वो मेथड है, बट क्या फायदा यार, अगर उससे तुम फास्ट नहीं सॉल्व कर सकते तो यूजलेस है। और अगर समझो, अगर उसमें 10 सेकंड लगा और इसमें 12 सेकंड लगा, बट अगर ये तुम्हारा सही हो रहा है और उसमें गलती होने का चांस है, तो यही मेथड करना ज्यादा अच्छा है ना। मैं वही बोलता हूँ, इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ इसमें कम टाइम लगता है। The average of 9 observations is 15. A new 10th observation is included and the new average decreased by 1. The 10th observation is, you guys tell me the answer. क्या आना चाहिए? I won't solve it. You guys tell me. 5. Perfect. 5. क्योंकि वो आया 15 रुपए लेके आया और बाद में सारे 10 लोगों में से उसने 1-1 रुपया निकाल लिया, तो 15 - 10 = 5 रुपीज। आंसर इज ऑप्शन सी, 5। सबको समझा? Yeah, that is the way that you solve. I solve it. A ratio of expenditures of Rohan and Pratik is 3:2. Sure. R/P is 3:2. Pratik and Elon is 5:4. So Pratik and Elon is 5:4. अगर इन दोनों को इक्वल बनाना है तो मुझे सेम मल्टीपल लेना पड़ेगा, तो इनका LCM is 10. तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया 15, ये हो गया 10, ये हो गया 10 और ये हो गया 8. 15 is to 10 is to 8. हाँ वही। Now, if 1/3 of Rohan's expense is 4,000 more than half of Elon's expense, 5x = 4x + 4,000. तो x = 4,000. What is Pratik's expenditure? 40,000. 40,000. Answer option A. Very very simple. ये ध्यान से देखो, पार्टनरशिप्स का सम वैसा सम जिसमें सब मिस्टेक करते हैं, सब गलती करते हैं इसमें। ओके, द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 8, 5 and 3। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इक्वल्स टू प्रॉफिटेबिलिटी होता है ना शायद। हाँ, एंड यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी इज 4 into 15 into 6। अब टाइम कैसे निकालोगे? डिवाइड करना पड़ेगा इसको। डिवाइड क्यों कर रहे हो? उससे अच्छा तरीका मैं बताता हूँ। तुम्हें पता है ना दैट इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इक्वल्स प्रॉफिटेबिलिटी, ये सबको पता है। हाँ या नहीं? हाँ। इंस्टेड स्टार्ट ब्रेकिंग इट डाउन टू द बेसिक एलिमेंट्स। यहाँ पे क्या दिया है? ये 5, दिस इज 2 into 2 into 2। इसका मुझे नहीं पता। यहाँ पे क्या है? 2 into 2। यहाँ पे 5 into 3, 5 into 3, एंड यहाँ पे 3 into 2 बराबर। हाँ या नहीं? हाँ। yes. यहाँ पे 3 into 2 मतलब यहाँ पे किसने 2 एक्स्ट्रा डाला। यहाँ पे 3 मतलब यहाँ पे किसने 3 एक्स्ट्रा डाला बराबर। बट यहाँ पे तो कम हो गया ना, मतलब यहाँ का 2 किसी ने खा लिया। कोई भी कैंसिलेशन तभी ही होता है जब बाकी दोनों में चीजें, बाकी दोनों जगह पे एक चीज कॉमन होती है। तो यहाँ पे अगर मैं 2 कैंसिल करता हूँ तो यहाँ पे भी 2 और 2 लिख के उनको कैंसिल कर दूंगा। फाइन, तो यहाँ पे 1 आ गया मेरा आंसर। 4 is to 15 is to 6। सो द वैल्यू ऑफ टाइम, द टाइम का रेशियो इज 1 is to 6 to 4, ऑप्शन सी। ये समझा सबको? यस सर। हां सर, प्लीज नो 1 सेकंड। इजी वे ऑफ सॉल्विंग। क्या बोल रहा है? सॉरी, somebody said something, I was talking, तो मुझे समझा नहीं, क्या बोल रहे थे? सबको समझा? आई होप दिस इज द इजीएस्ट वे ऑफ सॉल्विंग दिस सम। अगेन आई एम टेलिंग सर, वो टाइम 1 कैसे हुआ सर? ये इन्वेस्टमेंट में 2 into 2 into 2 था और अपना प्रॉफिट में सिर्फ 2 ही 2 था, तो इसलिए 1 निकालने के लिए अपन ने यहाँ पे 2 और 2 नीचे मल्टीप्लाई किया काटने के लिए, क्योंकि वो ये हो सके, यानी बैलेंस हो सके। परफेक्ट, परफेक्ट। अच्छा अच्छा सर, थैंक यू। जो चीज तीनों में कॉमन होती है तुम उसको कट कर सकते हो, तो मुझे 1 कट करना था तो मैंने बाकी दोनों में भी एक्स्ट्रा डाल दिया कि कट हो जाए करके। ओके ओके सर, सिंपल। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस। वो डिवीजन डिवीजन का मेथड मत करना गाइस, दिस इज वेरी वेरी इजी। जैसे गुजराती में बोलते हैं कि जब नाक ऐसे पकड़ते तो घुमा के नाक नहीं पकड़ते, वो वाला लॉजिक है। चलो, 108% ऑफ 1604/27 माइनस 1504/36% ऑफ 108। वेरी सिंपल। 108% को फ्रैक्शन में कैसे लिखते हो? 27/25 108 divided by 25। तुम्हारे दिमाग में ये इमीडिएटली आना चाहिए। ये मैं तुम्हें परसेंटेज लेक्चर में सिखाता हूँ ये कैसे इमीडिएटली दिमाग में आए। 1604/27 माइनस 1504/36 परसेंट मतलब डिवाइड बाय 100। तो मैं उसके बदले, इसके बदले परसेंट के बदले इसको ही परसेंट ले लूँ, सो दैट इज अगेन 27/25। 20 ये कैंसल, ये 3, ये 4 4 into 3 76 376 into 3 900 plus 210 1128 1604। जो आंसर आएगा उसको डिवाइड बाय 25। इसका आंसर क्या आएगा? 500 minus 476 19.04। परफेक्ट आंसर, ऑप्शन ई। आई होप सबको समझा ये। एवरीबॉडी क्लियर? यस सर, यस। 108% कैसे डायरेक्टली 27 into 25 करना है वो मैं लेक्चर में बताता हूँ। इट इज वो एक्चुअली ना दिमाग में आ जाना चाहिए इमीडिएटली, और अब देख के ही तुम्हारे दिमाग में आने लगेगा स्लोली। सर 4 से डिवाइड करने के बाद दोनों के दोनों वैसे आने वाले हैं। 4 करने की भी जरूरत नहीं है। वो करने की भी जरूरत नहीं है। द पॉइंट इज दैट यू नो इफ इट इज 8% एक्स्ट्रा, 8% इन माय माइंड आई नो 1 4% is 1/25, which is an easier calculation. 1/25 मतलब 2/25 ऐड करना है, तो 2/25 किस में ऐड करूं? 1 + 2/25, that is 27/25. That is how I calculated. तो वो मुझे बहुत जल्दी मिल जाता है. And I did it because I knew that नीचे 27 दिया हुआ है, तो 27 को कैंसिल करने वाला ऊपर 27 होना चाहिए. That is how I did it. Otherwise I could have also taken it as 54/50. वो भी हो सकता था. Okay. Yes, sir. Huh. Sudhir can reach his destination at a speed of 35 kilometers per hour in 5 hours. So that is total distance 175 kilometers. He traveled at a speed of 30 kilometers per hour for 5 hours. तो उसने 150 travel किया 5 घंटे में. इधर उसने 5 घंटे travel किया. And rest of the journey with 10 kilometers per hour. तो मतलब कितना? 25 किलोमीटर at 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब 2.5 आवर्स लगा मुझे, right? What percentage is total time increase? 5 से 7.5 हो गया. My total time increased by 50%. I hope everybody understood this. A very very basic sum. Yes, yes, yes. Yes, sir. Chal, great. LR puzzle. So now I'll do with you guys what I do with my students. मैं उनको LR puzzle देता हूँ, सिखाता नहीं हूँ. पहले मैं उनको पहले खुद से सॉल्व करने बताता हूँ. मैं देखता हूँ वो लोग कहाँ अटक रहे हैं एंड अकॉर्डिंगली मैं उनको बताता हूँ दैट कैसे ये एलआर पजल फास्ट हो सकता है. आई विल सॉल्व द एंटायर एलआर पजल लेटर, मतलब हम वो एलआर पजल साथ में सॉल्व करेंगे लेटर, बट पहले तुम लोग खुद से ट्राई करो एलआर पजल सॉल्व करने का. ओके, डज इट वर्क फॉर यू गाइस, डू यू वांट टू मेक इट लाइक अ टिपिकल यूट्यूब लेक्चर एंड वो मैं तुम्हें सॉल्व करके खुद से ही बता दूं? यू गाइस टेल मी, व्हाटएवर यू सेलेक्ट, आई एम फाइन विद आइदर वे. सॉल्व करें सर अभी. I'll give you guys 6 minutes for this sum, and your time starts now. मैं वीडियो पॉज कर दूंगा. People watching on YouTube, वीडियो पॉज करो, 6 मिनट का टाइमर लगाओ और खुद से सॉल्व करो 6 मिनट में. मतलब एटलीस्ट 6 मिनट तक टाइमर लगा दो. Try to solve it. Your time starts now. चलो guys, let's start the sum. I understand it's a tougher sum, but इसलिए मैंने डेमो लेक्चर में लिया है. तो तुम लोग सीखो दैट कैसे टफ सम को सॉल्व करना है. दिस सम इन पर्टिकुलर इज टफ. चलो, ABCDEFGH 8 लोग हैं. दे आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर. गुड थिंग सब अंदर देख रहे हैं, तो सबका राइट लेफ्ट ही होगा, उल्टा कुछ नहीं होगा. They are of different ages and they work in different companies. ये 8 कंपनीज के नाम और ये उनकी 8 एजेस दी हुई हैं. F's age is 27 and sits second to the right of G, who works in Oracle. F 27, G Oracle. बाद में H does not work in Cisco or Wipro. इट्स अ नेगेटिव पॉइंट. आई ऑलवेज से नेगेटिव पॉइंट्स को बाजू में रख देना है, हम उसको बाद में यूज करेंगे. E's age is a multiple of 5 and is an immediate neighbor of neither F nor G. तो E का एज क्या हो जाएगा? 25. परफेक्ट. E का एज इज 25. आई नो E इक्वल्स 25. इतना पता है, बाजू में रख दो. वो इन 3 जगह में से एक जगह पे हो सकता है, ये 3 में से एक जगह पे हो सकता है. Now, there are 2 persons sitting between A and D who works in Wipro. A dash dash D Wipro. But A D जरूरी नहीं है, it can be D A also. So I always suggest put the interchangeable arrow. I call it interchangeable arrow, मतलब ये यहाँ वो यहाँ भी हो सकता है. Okay? Whoever's on mute, mute please. Unless you are speaking something, be on mute. C's age is 23 and he works in TCS. C's age is 23 and works in TCS. The one who works in IBM, the one who is 28. Yeah, don't worry, I removed the person. Guys, whoever is on mute, na Ashish nahi hai, to I won't be lenient with you guys and put you in the waiting room. I'll directly remove you. Understand that you need to be on mute. You can't disturb others. I'm the one who works in IBM. I'm okay. Here. That is the person I was telling you about. Okay. Yeah. कहाँ गया? The one who works in IBM sits opposite to one whose age is 28. तो IBM के सामने 28. उनके आमने सामने है. F sits opposite to A who works in Accenture. F के सामने A and A works in Accenture. The one whose age is a multiple of 9 does not work in HCL. जिसका एज 9 का मल्टीपल है तो उसका एज क्या बन गया? 9 के मल्टीपल वाला 27. Exactly. 27 does not work in HCL. 27 is not equal to HCL. बाजू में लिख दो. कहाँ गया? स्क्रीन पे वही टफ हो जाता है. Yeah, there are as many persons sitting between the one who works in TCS and the one who works in Oracle as between the ages 24 and 28. So 24 to 28 is equal to the distance of TCS and Oracle. हमें ओरेकल पता है पर हमें TCS पता नहीं है, ना ही हमें 24, 28 पता है, तो ये पॉइंट अभी के लिए यूजलेस है, सिर्फ बाजू में लिख दो. The one who works in HCL and the one who works in Infosys are immediate neighbors. HCL, Infosys, immediate neighbors. Infosys, दोनों बाजू बाजू में है and both are interchangeable. D's age is not a multiple of 6. Negative point, I will put it for later. The difference between the age of the one who works in HCL and the one who works in IBM is 6. HCL minus IBM equals to 6. It can be other way around also. HCL and IBM, IBM minus HCL भी हो सकता है. सिर्फ उनका difference 6 दिया हुआ है. बाद में. But both of their ages are even numbers. Even numbers है और उनका difference 6 है. तो ये कौन से numbers हो गए? 23, 29 नहीं हो सकता, so they can be 32 and 26. 32 and 26. Exactly. So 32 or 26, both of them. And both are immediate neighbors of the one whose age is a prime number. जिसका prime number है, उसके immediately बाजू में है. तो ये कौन होगा जिसका prime number है? 29 के आजू बाजू. 29 के आजू बाजू. या 23 के आजू बाजू. 29 और 23 दोनों हो सकते हैं ना? So I don't know. So yeah, इन दोनों के बीच में, so HCL इनके बीच में 23 और 29 एंड ये बाजू IBM अगेन इंटरचेंजेबल एरो. तुम लोग समझ रहे हो ना मैं इंटरचेंजेबल एरो क्यों इतना एम्फेसाइज कर रहा हूँ, डालना जरूरी है. अगर यहाँ पे IBM 29 HCL है और तुम HCL बिकॉज तुमने ऐसे लिखा है तुम समझोगे नहीं HCL तो लेफ्ट में है, बट ऐसा नहीं है. एग्जाम टाइम तुम्हें नहीं समझ में आएगा. Exam ke time, think of yourself as the dumbest person in the exam center. Okay? You have to do everything as it is. Baad mein. The one who works in TCS is immediate left to A. A ke left mein hai, to TCS. And immediate right to the person whose age is 25. 25. What does this mean? E. Sorry? 25 यानी TCS के बाजू में E आएगा. C और 25 के आगे E आ जाएगा. ओके. और एक मतलब बताओ मुझे. सर ये TCS और Oracle के बीच में जितने भी ये है उतने ही ये आएंगे. 24 टू 28 के बीच परसेंट आएगा. वो भी है. HCL एंड IBM 24 28 पता है क्या? एक मिनट. तुझे 24 28 पता है क्या? नहीं पता है ना. तो यू कांट यूज इट. टिल यू डोंट नो आइदर वन ऑफ देम यू कांट यूज. टोटल पॉइंट ही तो यूज नहीं कर सकता. यहाँ पे देखो 23 के आजू-बाजू 25 है तो 29 आ जाएगा वहां पे जक मार के. ओके बड़ा में TCS पता है ना सर? TCS और Oracle पता है ना? तो फिर TCS और Oracle के बीच में 3-3 होगी ना? उतना ही देखो. TCS और Oracle के बीच में 2 लोग हैं तो 24-28 तो कहाँ प्लेस करेगा? तू यहाँ भी प्लेस कर सकता है, यहाँ भी प्लेस कर सकता है. कोई जगह बचा तेरे पास? तू यहाँ भी प्लेस कर सकता है. Is the point usable for you? No, not yet. The only point which you can use is this one. यहाँ पे 29 नहीं आ सकता, यहाँ पे 29 नहीं आ सकता, तो 29 आ गया यहाँ पे. This is 29. This is 32, 26. 32 or 26. Even this is 32 or 26. मतलब HCL IBM, H और I. समझे तुम? Yes sir. चलो अब और क्या यूज करोगे? The one who works in IBM is older than the person who sits immediate right of the person who is 29. अगर IBM की एज इससे ज्यादा है, इसके राइट में कौन बैठता है? 32. 32 से ज्यादा तो कोई नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सिर्फ 26 आ सकता है, यहाँ पे 32. So 32 एंड यहाँ पे आ गया 26. और IBM की एज 26 से ज्यादा है तो IBM यही पे होना चाहिए, तो IBM एंड ये नीचे आ गया HCL. आई होप तुम लोग समझ रहे हो. Yeah. हाँ या नहीं? Yes sir. Yes sir. चलो तो आगे बढ़ते हैं. ये वाले पॉइंट का काम हो गया, ये वाले पॉइंट का काम हो गया. तो हम लोग एफ की राइट हैंड साइड पे डी को भी डाल सकते हैं क्योंकि ए और डी के बीच में डोजन. अब वो कर सकते हैं. डी वर्क्स इन विप्रो, तो डी यहाँ आ जाएगा विप्रो. नाउ ट्राई टू यूज 2428 का पॉइंट. अब यूज करने की ट्राई करो. डी का जो है एज इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 6, so D का एज cannot be 24, so D can be 28, A is 28. And इधर कौन सा कंपनी आ गया? एक ही कंपनी, Infosys. HCL Infosys are immediate neighbors of each other, तो सपोर्ट भी कर रहा है. एंड फाइनली यहाँ पे कौन दो बचे हुए हैं? H और B एंड H और B. तुम्हारा सम सॉल्व हो गया बिकॉज H और B के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है. सिर्फ H के बारे में बोला है सिस्को विप्रो में काम नहीं करता, वो तो वैसे भी है. एंड E की जगह पे कंपनी सिस्को आ जाएगी. सिस्को सबको समझा ये सम? यस सर. यस सर. यस गाइस, आई वांट मोर येसेस. हां यस सर. यस सर. यस सर. यस और नो? यस 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 सर. यस यस. ग्रेट. Let's go ahead. Let's go on to DI. Thank you, Ava. Oh, we are doing good on the time. चलो DI is pure calculation. DI के लिए मैं इतना बोलता हूँ, अगर तुमने स्पीड मैथ्स किया है तो DI की प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है. अगर तुमने स्पीड मैथ्स नहीं किया है तो DI की कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, तुम लोग कुछ नहीं उखाड़ सकने वाले. ओके, दिस इज अ वेरी सिंपल मंत्रा दैट आई गिव. शॉप डिस्काउंट परसेंटेज बाय शॉप ए. 5 आर्टिकल्स बिकते हैं, हर शॉप अलग अलग डिस्काउंट देता है. भाव सबका सेम ही रहेगा मेरे ख्याल से, मैंने देखा नहीं सम. गाइस बाय द वे, आई एम सॉल्विंग दिस सम्स तुम्हारे सामने. मतलब मैंने डीआई का सम देखा हुआ नहीं है, मैं तुम्हारे सामने सॉल्व कर. मैंने ये वाला सॉल्व नहीं किया. सो व्हाटएवर यू सी, मैंने स्पीड मैथ्स के भी क्वेश्चंस मैंने तुम लोग का नंबर्स मांगे, सो इट्स नॉट लाइक मैं सब रट्टा मार के आया हूँ. If you understand, most places it works in that way that demo lecture वो लोग 25 बार रट्टा मार के आते हैं. That is why solving it becomes easier. I'm solving it live in front of you. So, मतलब these methods work if you are learning them well. These methods really work. The average selling price of an article 1 in all shops is 4293. Find the selling price of article 1 in shop B. So that is 4293 into क्या करोगे? Guys, into 3 3 3 7 2 into 3Q into 72/100. B ने 28% डिस्काउंट दिया, राइट? मतलब अगर 100 रुपए की आइटम थी तो उसने 72 रुपीज में बेचा, तो 4293 कितने पैसों में बेचेगा? ये ऐसे सॉल्व करना है. तो इसको कैसे करेंगे? 100 को वैसा का वैसा रहने दो, 4293 को 73 से मल्टीप्लाई कर लो. हेलो सर. यस हेलो सर, वी कैन यूज ऑप्शन हियर डायरेक्टली. द आंसर विल बी लेस देन 4293. आई अंडरस्टैंड. सी द पॉइंट इज दैट आई ऑलवेज से ऑप्शंस तभी यूज करो जब तुम्हें प्रॉपर तरीका आता है सॉल्व करने का. ऑप्शंस यूजिंग इज अ वे ऑफ कोट अनकोट चीटिंग. Only cheat when you know how to solve it the right way. अगर तुम्हें सही तरीका नहीं आता और चीटिंग करने गए ना तो फंस जाओगे. सही तरीका सीख लो, वो जरूरी है. बाद में तुम्हारे 1-to-1 सेशंस में इंप्रूवमेंट वीक में वो सब में तो मैं तुम्हें ये सब बताऊंगा, इधर ऑप्शंस कैसे यूज करना है, कैसे क्या यूज करना है वो मैं बताऊंगा, बट अभी पहले प्रॉपर मेथड समझ लो। ओके यस सर। चलो बोलो 6 9 into 2 3 into 7, हाउ विल यू डू दिस? 3 into 6 3 into 7 3 into 13, 3 into 13 is 39. 39. 3 carryover. 2 into 2 4. 4 plus 63 67. 67 70. 0 7. 2 into 4 2 into 7. 2 into 11 22 29. 2 carryover. 2 का काम खत्म. 7 into 4 28. 28 plus 2 30. 3096. मेरा किधर कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ क्या? नहीं, into 7, हाँ तो बराबर इतना ही आना चाहिए। into 72, 4293. Selling price in shop B of article 1. हाँ तो बराबर है, it should be 3090.96. I guess the options given here are only wrong. 4293 है ना, तो मैंने multiply किया, that is the proper way. So the options are only wrong. Whoever said, whoever gave the answer, तुम समझे? Yeah. Well, if there was a none of these वाला option, you would have gotten stuck. समझ रहे हो? Yes sir. I'm sorry for the wrong question, but well, can't help it. एक wrong question आ गया. चलो, let's move ahead. If the average selling price of an article 2 in shop 1, shop A and B, average of these two is 3608. And that in shop B and C is 3300. The discount offered by shop B in rupees is, बोलो, इसका average इसके साथ is 3608. इसका average इसके साथ is 3300. Tell me, what is happening, guys? Think about this. चलो गाइस, यहाँ पे देखो ए और बी का टोटल एवरेज इज 3608, तो ए और बी का टोटल सेलिंग प्राइस वाज 7216 इक्वल्स टू ए प्लस बी, बाद में 6600 इज बी प्लस सी बराबर, तो इनका डिफरेंस दैट इज 616 इज व्हाट? ए का सेलिंग प्राइस माइनस सी का सेलिंग प्राइस। एक आर्टिकल है तो उसका कॉस्ट प्राइस तो सेम ही रहेगा ना, हाँ या नहीं? हाँ या नहीं, बोलो जल्दी। यस सर। हाँ तो नाउ टेल मी, अगर इसका सेलिंग प्राइस सेम है, अरे कॉस्ट प्राइस सेम है, तो ए और बी में कितना फर्क है? ए देता है 14% डिस्काउंट, बी देता है सी देता है 28% डिस्काउंट, तो 14% डिस्काउंट इक्वल्स टू 616 रुपीस। एग्जैक्टली 14% ऑफ द कॉस्ट प्राइस equals to 616 rupees. So what is the cost price? 44. क्या मजाक कर रहा है? Sir, that 14% नहीं आएगा वहाँ पे, 7% आएगा. The average is given ना? The average is given, so 7% is 308. मैंने average का already double कर दिया. I made it proper. So this is A का selling price minus C का total selling price. 4400 ये हमारा selling price हो गया फिर तो। क्या? हाँ 4400 is the cost price. Cost price, sorry. Cost price. 4400 is the cost price. अब बताओ how will you use this? जल्दी बताओ। Divided by 80. Serious हम एक बार और बता सकते हैं क्या? Okay चल, let me, तुझे यहाँ तक समझा 616 equals to a minus c, इतना समझा तुझे? Yes yes sir. Okay चल, let's explain this better. अब ये वाले सम में a का selling price कितना है? जो भी cost price है, cost price का 76% और 86%. 6%. तो 0.8, चलो अगर कॉस्ट प्राइस 100x तो ए का सेलिंग प्राइस 86x, And C का selling price is 72.72. 72x. अगर yes. cost price is 100x. So tell me, what is the selling price of A minus B? So 616 equals to 14x, right? 14x equals to 616. Yes, x. Okay. So what is 100x divided by 14 into 100? So x, that is the selling price. 100x equals to 4400. Whoever was saying उसका average लेना है या फिर 7% लेना है. Do you understand your mistake? Yes, sir. Yeah. अब बताओ गाइस, मुझे पता है कॉस्ट प्राइस इज 4400, तो अब क्या करोगे? सॉरी, 8800 minus 7216 minus 616, that will give me my answer. Yes, that is right. Minus 616 क्यों? The 14% discount. Perfect, amazing, amazing. हम इन दोनों का टोटल कॉस्ट प्राइस निकालेंगे. टोटल कॉस्ट प्राइस में से टोटल सेलिंग प्राइस माइनस कर देंगे. सो आई विल गेट द टोटल डिस्काउंट गिवन बाय बोथ ऑफ देम. अगर जितना डिस्काउंट है उसमें से मैं ए का डिस्काउंट निकाल दूं तो जो बचा हुआ है वो बी का डिस्काउंट है. खत्म. सो 8800 माइनस 7216, दैट इज 584. 584. अच्छा सर, 1584 में से 616 रुपया ए ने डिस्काउंट दिया, बिकॉज 14x ए का डिस्काउंट है. तो बी ने कितना डिस्काउंट दिया? 1584 माइनस 616. सो द आंसर इज 968. दैट इज ऑप्शन ए. डज एवरीबडी अंडरस्टैंड? आया नहीं? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. ये ऐसे तुम एवरेजेस को यूज कर सकते हो. और एक इजी तरीका है इसका, विच इज फॉर विच यू रिक्वायर अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरेजेस, जिससे ये सब बहुत ज्यादा फास्ट हो सकता है. इफ अ न्यू शॉप डी कम्स नाउ एंड स्टार्टेड सेलिंग आर्टिकल 3 विद सम परसेंट डिस्काउंट whose amount is equal to the amount of discount offered by shop C in article 2, given that MP decided by shop D is 3/2 more than that by shop C. Sorry, 2/3 more than. So 5/3 है. What is the percentage of discount offered by shop D? Now guys, ये सम solve हो सकता है. Now a big question lies in front of you. ये सम solve करना है क्या? नहीं. In DI, I recommend that always understand how many levels of calculation there are there in a sum. कोई भी सम जिसमें 4 से ज्यादा लेवल्स ऑफ कैलकुलेशन जाता है वो सम सॉल्व करने लायक नहीं है. इफ यू आर वेरी वेरी गुड विद कैलकुलेशन, तुम्हारा एक लेवल ऑफ कैलकुलेशन को सॉल्व करने में 15 से 20 सेकंड चला जाता है. सो दैट मींस फॉर 4 लेवल्स ऑफ कैलकुलेशन यू विल टेक अप्रोक्सीमेटली 1 से 1.2 मिनट्स. तुम्हारा एमपीएम कितना होना चाहिए? 1, राइट? यस सर. अगर 1 का एमपीएम होना चाहिए और तुम एक सम को 1 मार्क लाने के लिए 1.2 से ज्यादा टाइम दे रहे हो, 1.2 मिनट से ज्यादा, तुम्हारा एमपीएम बाय डिफॉल्ट 0.8 से कम चला गया. Yes. It kills the purpose. In DI, the worst thing that you can do is solve each and every question. Just because set easy है, set समझने के लिए easy है, but that doesn't mean that उसमें calculation के levels कम होने वाले हैं. Be on the lookout that तुम्हें overall ज्यादा marks लाने हैं. तुम्हें सिर्फ डीआई पूरा सॉल्व करके मार्क्स नहीं लाने हैं. कभी कभी जो चीज तुमसे हो सकती है, जरूरी नहीं है दैट वो चीज तुम करो. इट इज नेसेसरी टू फिगर आउट कौन सी चीज करने लायक है, कौन सी चीज करने लायक नहीं है. ओके? यस. वैसे तो मार्क जकरबर्ग भी बैठ के पूरा कोडिंग कर सकता है, पर वो फेसबुक के नए नए ऐप्स बनाता नहीं है. उसने उसके लिए आदमी रखे हुए हैं. वो बोला मेरे को वो करने की जरूरत नहीं है. हैव दैट लॉजिक. सो दिस सम ऑल्दो इज डूएबल, but it is not worth doing. Worth doing. That's the logic behind this one, and that is where I want you guys to take a break. Tell me, did you guys understand? Yes, sir. Yes, sir. I yes, sir. I understand. Yes. So this is a little bit of a. ऐसा क्या बोलते हैं? दीवार में थोड़ा छेद दिया और मैंने को तुम लोग को बताया that this is how the world is on the other side. So yeah, I hope you guys understood the lecture. I hope you guys really like the lecture. कल से चालू हो रहा है course, and if you guys want, you are more than welcome to join. Please don't expect any discount. Won't do it. New Year का discount वो सब मुझे पता है, बहुत messages आए, but I know how much effort I put in, and I know what value do I bring on the table. मैं सिर्फ जब कोई फेस्टिवल होता है तब डिस्काउंट देता हूँ, बाकी कुछ नहीं देता, और न्यू ईयर मेरे हिसाब से फेस्टिवल नहीं है. So yeah, it's 7:45. We finished the lecture 15 minutes before. I'm going to stop the recording here. Guys, please do me a favor. तुम join करो ना करो, at least ये lecture से तुम्हारा फायदा हुआ कुछ, हाँ या नहीं? Yes. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Please help me out with liking and commenting on my YouTube videos. My reach has died because लोग like नहीं करते. So the point is, if you like, then YouTube thinks that the video is good, so it will share my video to other students. So if sure, please thoda help. Okay. Sure. Yes, sir. Chalo. So now I'll just pause the recording. Thank you everyone for seeing the YouTube video. Who was seeing the YouTube video? And now we'll have a Q&A session. तुम लोग को जो पूछना है तुम लोग पूछ सकते हो. Okay. चलो. Bye everyone. मतलब YouTube वाले लोगों को bye. Sir, मेरा एक doubt है.